हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट करियर ऑप्शन। आपके पास, आप होटल मैनेजमेंट में जो है एंटर करना चाहते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और आपको क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले अगर आपने प्लस टू या टेंथ आपने पास आउट कर चुके हैं और आप सोच रहे हो कि हम होटल मैनेजमेंट में एंटर कैसे करें और इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको पहले ये सोचना है कि आपको डिग्री करनी है या डिप्लोमा करना है। आप प्लस टेन है, आपने टेंथ कर रखी है, तो आपको जो है डिप्लोमा करना चाहिए क्योंकि डिग्री में आपके एंट्री नहीं होगी जब तक आप प्लस टू नहीं करेंगे। अगर आपने प्लस टू कर लिया और आप इसमें आना चाहते हैं तो आपके ऊपर आपको खुद चॉइस करना है कि आपको डिग्री करनी है डिप्लोमा। अगर आपको डिग्री करनी है तो आप सोचेंगे डिग्री में होता क्या है। डिग्री में हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। आपको फ्रेंच के कुछ वर्ड है जो किचन में यूज होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं, और यहाँ तक कि आपको अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, आपको इंग्लिश में आपको सुधार लाया जाता है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए। जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बारे में भी आपको बताया जाता है कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या आंसर उसका देना है। तो ये सब जो है डिग्री में आपको बताया जाता है। बात करते हैं अगर मैं डिप्लोमा करता हूँ या करती हूँ तो उसमें क्या है। डिप्लोमा में अगर आपने सोच लिया कि मुझे एक शेफ ही बनना है तो आप प्रोडक्शन में जाइए। अगर आपको फ्रंट ऑफिस की लाइन में जाना है तो आप फ्रंट ऑफिस में जाइए। हाउसकीपिंग की लाइन में जाना तो हाउसकीपिंग, F&B सर्विस में जाना तो F&B सर्विस में आप एंट्री कर सकते हैं, इसका डिप्लोमा कर सकते हैं। मींस एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में आप जो है, अगर एक ही चीज आपको बनना है, आपने पहले से अपना माइंड स्ट्रोक कर लिया कि मुझे यही बनना है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। बट अगर आपने प्लस टू कर रखी है और आपने डिप्लोमा करा है, तो मेरा मानना यही है डिप्लोमा के साथ आपको जो है एक अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए। डिग्री का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी तो आप जो है अपने करियर में आगे बढ़ सकोगे। आप एक कॉरपोरेट शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, मास्टर शेफ ये बन सकोगे। कल को आपको दिक्कत नहीं आएगी आपकी एजुकेशन को लेके कि आपने डिग्री नहीं कर रखी या फिर आपको जो है प्लस टू, क्योंकि प्लस टू आजकल कुछ मायने नहीं रखती। अगर आपने डिग्री करी है तो आपकी वो ग्रेजुएशन में आ जाती है डिग्री, तो आपको अलग से ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने प्लस टू करी है और आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको साथ साथ अपनी जो है ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए, तो इससे आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है, आपका खुद का डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। बट मेरा जो मानना था और जो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया। डिप्लोमा में आप अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन से कॉलेज में एंट्री करनी चाहिए। आप जिस एरिया में रहते हो आपको ये देखना है कौन सा एरिया हाई है, मीन्स कौन सा कॉलेज वहाँ पर अच्छा है। आपको ये देखना है, यहाँ तक कि आपको ये भी देखना है कि वहाँ के जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं एजुकेशन वाले। ये तो नहीं है कि इन्होंने वहीं से पास आउट करके वहीं के वहीं उसी कॉलेज में लग गए, क्योंकि वो अभी तो उन्होंने पास आउट करा और वो आपको उतना ही सिखाएंगे। उन्होंने कहीं पास आउट करने के बाद उन्होंने कहीं जॉब नहीं करी, किसी होटल में जॉब नहीं करी, उनको पता ही नहीं है होटल में होता क्या है, बस वो वहीं के वहीं लग गए, तो वो आपको उतना ही सिखाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो कॉलेज है उसकी ज़्यादा चलती है, मीन्स ज़्यादा वैल्यूज है, और वो आपको प्लेसमेंट दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते, आपको ट्रेनिंग लगवाते हैं या नहीं लगवाते, उनका जो सर्टिफिकेट है। कई कई डिप्लोमा में ऐसा होता है कोई कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, सिर्फ सस्ते में आपको रख लेते हैं। सस्ते में रखने के बाद अगर सर्टिफिकेट दे भी दिया तो वो आपकी ट्रेनिंग ही नहीं लगवाते, आपको जो है JT भी नहीं करवाते ना ट्रेनिंग करवाते, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी नहीं करवाते वो आपसे। तो आपको ये देखना है जहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, जहाँ जॉब ट्रेनिंग हो, यहाँ तक कि जहाँ पर अगर प्लेसमेंट में दिलवाए, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, और आप वहाँ पर जो है अपनी डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं।
तो आपको बस ये देखना, चाहे आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, बस आपको ये देखना है कि वो प्लेसमेंट भी करवाए, इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी करवाए और जॉब ट्रेनिंग भी करवाए। अगर ये तीनों चीज़ है तो आप उस कॉलेज में एंट्री कर सकते हो और वो सबसे बेस्ट है आपके फ्यूचर के लिए और आपको जॉब के लिए कई धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। बट इस जॉब में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप सोच रहे कि मेरे को प्लेसमेंट तो यहाँ मिल नहीं रही, बट जिसमें प्लेसमेंट मिल रही है उसमें जो है वहाँ की जो फीस है वो महंगी है, और जिसमें प्लेसमेंट नहीं मिल रही बट वो ITJT करवा रहे हैं और प्लेसमेंट नहीं दे रहे, उसमें फीस कम है, तो मैं तो वहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास जो है फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो आपको इंटरव्यू देने होंगे वो आपको क्लियर करके और आप होटल में जा सकते हैं, या फिर आपने जहाँ JT करी है वहाँ JT करने के बाद आपने अच्छा काम दिखाया तो वहाँ के जो होटल, जिस होटल में आपने JT करी है वो खुद ही आपको जो है हायरिंग कर लेते हैं और आपको जो है जॉब दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी नहीं है कि इस लाइन में जो है वैकेंसी नहीं निकलती, काफ़ी वैकेंसी निकलती है, इंडिया में निकलती है, फॉरेन में निकलती है, हर जगह निकलती है इसकी वैकेंसी होटल की, क्योंकि आजकल होटल ज़्यादा खुल चुके हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ से डिप्लोमा करा या डिग्री करी और मुझे जो है आगे फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी, आपको मिल सकती है, बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। यहाँ तक कि मैं उनके लिए भी बता सकती हूँ, बताऊंगी कि जो डिग्री डिप्लोमा भी नहीं कर सकते और जो घर बैठे हैं और उनका ड्रीम होता है, सपना, तो क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मैं एक शेफ बनूं या बनूंगी और मैं कैसे करूं, क्योंकि हमारे पास जो है फाइनेंशियल की ज़्यादा दिक्कत है, मेरे पेरेंट्स जो इतना खर्चा भी नहीं कर सकते, डिप्लोमा भी नहीं करवा सकते और मैं घर बैठा हूं तो मैं क्या करूं। आप अप्रेंटिस करिए, होटल में जाइए, होटल में पूछिए यहाँ पे अप्रेंटिस, क्योंकि होटल में, हर होटल में कितने मीन्स 100% में से 40% या 30% अप्रेंटिस वहाँ पर होते हैं। आप वहाँ जाके पता करिए कि अप्रेंटिस करना है, उसमें आपको जो है कोई भी पे नहीं करना, आपका एक फॉर्म फिल करा जाएगा, फिर आपको 1 महीने के लिए आपको बुलाया जाएगा और आपको 2 ईयर्स की जो है आपको जो है ट्रेनिंग की जाएगी और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे, अमाउंट भी मिलेगा, उसके बाद आपको जो है कहीं पर भी जॉब लग सकती है। तो आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट में, एक होटल के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आई होप आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अब हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।